समुद्र की एक रहस्यमय जगह जो न सिर्फ समुद्र बल्कि हमारे पृथ्वी का भी सबसे गहरी खाई है। यह जगह इतनी गहरी है कि यदि माउंट एवरेस्ट जो धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है उसको भी उठाकर इस खाई में रख दें तो भी इस गहरी खाई को पूरी तरह नहीं भरा जा सकता है। यह जगह अत्यंत दुर्लभ और विचित्र है। माना यह भी जाता है कि इस जगह पर मेगालोडन जैसी खतरनाक कुखार मछली भी रहती है। इस जगह पर अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुँच पाए हैं और इस जगह को मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आगे हम मेरियाना ट्रेंच के रहस्यों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मेरियाना ट्रेंच क्या है। जैसे हमारे यहाँ नीचे जमीन होती है, उसी तरह समुद्र के पानी के नीचे भी जमीन बनी हुई है, लेकिन इस समुद्री जमीन में कई जगहों पर खाई बनी हुई है, कहीं पर ज्यादा गहरी तो कहीं पर कम गहरी। अमेरिका के मेरियाना आइलैंड के नजदीक एक समुद्री जगह है जहाँ पर खाइयाँ बनी हुई है और इस खाइयों के ग्रुप को मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है। इस ग्रुप में छोटी और बड़ी कई खाइयाँ आई हुई है। मेरियाना ट्रेंच का आकार दिखने में अर्ध चंद्राकार जैसा है। उसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इतने एरिया में सिर्फ खाई ही खाई बनी हुई है, लेकिन इनमें सबसे गहरी खाई है जिसका नाम दिया गया है चैलेंजर द्वीप। यह सिर्फ मेरियाना समूह का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे गहरी खाई है। इस खाई में कई रहस्य छिपे हुए हैं, तो चलिए जानते हैं उन रहस्यों को। लेकिन इन रहस्यों को जानने के लिए हमें मेरियाना गर्त के इतिहास में जाना होगा। यह बात साल 1875 की है। ब्रिटिश लोगों का एक जहाज जिसका नाम HMS चैलेंजर था, वह समुद्र की सफर पर था। यह जहाज समुन्द्र के अभ्यास के लिए ही निकला था, लेकिन रास्ते में उन्हें यह खाई मिल गई। उस समय तो ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इस खाई को एक रस्सी के जरिए नापा गया। नापने पर जो गहराई सामने आई उसने सबको दंग कर दिया। यह गहराई लगभग 8 किलोमीटर जितनी थी। इस खाई को जिस जहाज ने खोजा था उसी के नाम पर इस खाई का नाम भी रखा गया, चैलेंजर द्वीप। लेकिन खोज यही नहीं रुकी। साल 1951 में ब्रिटिश लोगों ने फिर से अपना एक जहाज HMS 2 रवाना किया समुद्री अभ्यास के लिए। इस जहाज ने फिर से अपनी नई टेक्नोलॉजी के जरिए इसे नापा, लेकिन इस बार यह गहराई पहले से कहीं ज्यादा थी, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास। आप अभी जहां पर हैं वहां से 11 किलोमीटर जितनी किसी दूरी को सोचिए। अब आप जहां पर हैं वहां से लेके उस दूरी को ऊंचाई की तरफ अपने मन में सोचिए। हाँ, तो बस इतनी ही गहराई है उस खाई की। अब चलिए जानते हैं कि क्या खास बात है इस चैलेंजर द्वीप में। अगर आप समंदर में कूदोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 70 मीटर तक ही नीचे जा पाओगे, क्योंकि इसके बाद हमारे ऊपर रहे पानी का दबाव हम पर इतना अधिक होगा कि हमारा शरीर झेल नहीं पाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आप पर पानी का दबाव बढ़ता जाएगा और जब आप चैलेंजर द्वीप के आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाओगे तब आप पर पानी का इतना दबाव होगा जितना आप पर 100 हाथी रखे हो। अब जानते हैं वहां पहुंचे हुए लोगों के बारे में। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है। उस पर अब तक हजारों लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी खाई चैलेंजर द्वीप में अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। सबसे पहले साल 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्स नाम के दो इंसान इस खतरनाक खाई में गए थे। 5 घंटे की सफर के बाद आखिरकार वो चैलेंजर द्वीप के आखिरी बिंदु तक पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने 20 मिनट जितना समय बिताया, पर वहां ज्यादा अंधेरा और धूल होने की वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जब इन्होंने यह सफर किया तब कुछ वैज्ञानिक इस बात पर झगड़ रहे थे कि इतनी गहराई पर समुद्री जीवन है या नहीं, लेकिन पिकार्ड ने कहा कि उसने वहां पर एक मछली जैसे छोटे जीव को देखा था। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि समुद्र की गहराई पर जीवन मौजूद हो सकता है। यह बात बहुत अचंभित करने वाली थी, क्योंकि इतने दबाव पर हड्डियां भी टूटकर बिखर जाती है। लेकिन हाल के अभ्यास से पता चला है कि वहां पर कई तरह के जीव रहते हैं, पर यह कैसे संभव हो सकता है जहां सूर्य का प्रकाश भी न पहुंचता हो। ऐसे गहरे समुद्र में जीवन का होना प्रकृति का एक अजूबा है। हॉलीवुड के एक डायरेक्टर जिनका नाम जेम्स कैमरून है, वो साल 2012 में खुद की डिजाइन की हुई सबमरीन के जरिए इस चैलेंजर द्वीप के खाई के अंत तक पहुंचे थे। अगर आपको नहीं पता ये इंसान कौन है तो आपको बता दूं कि क्या आपने अवतार या टाइटैनिक मूवी देखी है, उस मूवी को बनाने वाले का नाम ही जेम्स कैमरून था। वहां पर उन्होंने अपने कैमरा से कुछ रिकॉर्ड भी किया था। जिस तरह माना जाता है कि बरमुंडा ट्रायंगल में एलियंस की दूसरी दुनिया का दरवाजा है, कुछ भी तरह यहाँ की कहानी ये है कि मेरियाना ट्रेंच के नीचे मेगालोडन रहती है। मेगालोडन वही खुखार मछली है, या कहें कि मॉन्स्टर मछली, जिसका वजन 20 टन से अधिक होता है और वो आराम से टी रेक्स जैसे डायनासोर को पानी के अंदर खींचने की शक्ति रखती है। शायद आपने हॉलीवुड मूवी में यह शार्क देखी हो, अगर देखी हो तो कमेंट में मूवी का नाम जरूर बता देना। दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच की गहराई का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है। क्या आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पता है? लगभग 9 किलोमीटर, लेकिन चैलेंजर द्वीप की गहराई 11 किलोमीटर है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उठाकर इस खाई में रख दोगे तो भी इसमें 2 किलोमीटर जितनी गहराई बच जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर यदि आप भी इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट विद नॉलेज को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।